बाबा श्याम की नगरी में मुझ श्वेता अग्रवाल की तरफ से आप सभी को सादर जय श्री श्याम। और मैं बहुत बहुत आभार करती हूँ हमारे श्याम भक्त मंडल भिलाई की, जितने भी आयोजक हैं उन सभी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। हमारे योगेश भैया, अंकित जिंदल भैया, अंशु भैया और भी जितने भी कमेटी मेंबर्स हैं, उन सभी को मेरी तरफ से जय श्री श्याम। बोले श्याम प्यारे की जय हो, बोले लख दातार की जय हो। और आइए सबसे पहले हम आज के संकीर्तन की शुरुआत हमारे राम भक्त हनुमान जी से करते हैं और उनको इस कीर्तन में सबसे पहले हम आमंत्रित करते हैं। बोलिए बालाजी महाराज की जय हो, बोलिए सलासर धाम की जय हो।
और कहते हैं, दुनिया चले ना बिना राम के बिना और हनुमान जी चले ना बिना। बिल्कुल। और संकट दुनिया रचने वाले को भगवान राम कहते हैं और संकट हरने वाले को बोले श्याम प्यारे की। और एक बार जोरदार आवाज में जयकार लगाएंगे बोले बालाजी महाराज की जय हो। भैया
कृपा बाला जी बनाए रखना, इतनी कृपा बाला जी बनाए रखना, मन में दम तक सेवा लगाए 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 रखना। अरे मेरी मिठाई लेके भैया, म्यूजिक का अभी इसको बढ़ाओ। जिन्होंने बनाई है ना वो हमारे प्रभु राम हैं। और कौन कौन आज बुलाएगा प्रभु राम को इस कीर्तन में? देखो इस कीर्तन में प्रभु राम पहले से ही मौजूद है, पर वो हमें दिखाई नहीं दे रहे। अगर आप सच्चे दिल से, सच्चे मन से बुलाओगे प्रभु राम को, तो आज वो अपनी हाजिरी यहाँ पे जरूर रखेंगे। बोले श्याम प्यारी की जय हो, बोले लाला सुधाम की जय हो, और मिलकर इतनी कृपा वाला जी बनाए रखना, इतनी कृपा वाला जी बनाए रखना, मन में दम तक सेवा में लगाए 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 रखना। और कहते हैं जागी राखी जैसे बनवा नाचे मोरे। और कौन कौन बुलाएंगे बाबा भोलेनाथ को? देखिए अब बहुत जल्दी महाशिवरात्रि आने जा रही है, तो आज इस कीर्तन में हम सभी बाबा भोलेनाथ को बुलाएंगे और मिलकर तालियों के साथ सावन का महीना पवन करे शोरे, सावन का महीना पवन करे शोरे, डमरू वाला नाच रहा जैसे बनवा नाचे मोरे, डमरू वाला नाच रहा जैसे बनवा नाचे मोरे, सावन का महीना पवन करे शोरे, सावन का महीना पवन करे शोरे। अरे भोले बाबा नाच रहे जैसे बनवा नाचे मोरे, भोले बाबा नाच रहे जैसे बनवा नाचे मोरे, मेरा भोला है भंडारी करता नंदी पे सवारी, भोले नाथ रे शंकर नाथ रे, मेरा भोला है भंडारी करता नंदी पे सवारी, भोले नाथ रे शंभू नाथ रे, शंभू नाथ रे,
और अब इस कीर्तन में हमारी माता रानी शेरोवाली मैया को बुलाएंगे और कहना है प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी 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 पर्वत पे देखो 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 लगता कमाल भवानी प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी और रायपुर से पधारे श्री सुरेश सोनी और विनय अग्रवाल भैया का ये बाबा भक्त मंडल भिलाई बहुत बहुत अभिनंदन करता है। बोले श्याम प्यारे की जय हो। मेरी जो लाज है बाबा तेरे हाथ है। हेलो भैया थोड़ा सा माइक का देख लो ना ये आवाज जा रहा है यार। मेरी जो लाज है बाबा तेरे हाथ है दुखिया गरीब की बाबा फरियाद है। मेरी जो लाज है बाबा तेरे हाथ है दुखिया गरीब की बाबा फरियाद है। और किसके किसके ऊपर बाबा का हाथ है एक बार हाथ उठाकर और बिल्कुल चार।
गाने का और बाबा का गुणगान करने का, पर आज आपको मौका मिला है। ये मौका सबको नहीं मिलता, ये सिर्फ उनको मिलता है जो बड़ी किस्मत वाले होते हैं। आपको ये मौका मिला है, आप बड़ी किस्मत वाले हो, तो मिलकर मेरे साथ गाना है। और क्या कहना है, आंधी तूफान देखना चाहती हूँ कि यहाँ भिलाई में श्याम प्रेमियों की आवाज में कितनी दम है। बाकी झूमने में कितना दम है वो तो मैं अभी थोड़ी देर बाद देखूंगी, पर आवाज में कितनी दम है वो अभी मैं देखना चाहती हूँ। और क्या कहना है, मेरी जो लाज है बाबा तेरे हाथ है, मेरी दुखिया गरीब की बाबा बड़ी याद है। देखो अब थोड़ा थोड़ा मूड में आने लगे हैं, और ये और कीर्तन अभी थोड़ा देर चला ना तो बिल्कुल और मूड में आ जाएंगे। अभी आगे वाले मूड में आए हैं, अभी पीछे वाले की बारी आई। और क्या कहना है, मेरी जो लाज है बाबा तेरे हाथ है, मेरी जो लाज है Thank you.
दोबारा बुलाना बिल्कुल और कुछ और कोई बात आती है मन में? क्या बात है, सही बात है। हम आपस में तो बोलते हैं कि आप कैसे हो, पर बाबा से कोई नहीं पूछता कि बाबा आप कैसे हो। हम सिर्फ मांगने जाते हैं बाबा से, बाबा ये कठिनाई है, ये परेशानी है, बाबा थोड़ी सुन लो। पर बाबा से कभी कोई नहीं पूछता कि बाबा आप कैसे हो। लेकिन देखो, जब भी हम बाबा के दर्शन करते हैं ना, सबसे पहले दर्शन करते वक्त बाबा से मन में एक ही ख्याल आते हैं कि बाबा एक बार नजर से नजर मिल जाए। और जो चाहते हैं कि बाबा से नजर मिल जाए, वो मिलकर कहना, नजरे जरा मिला ले, नजरे जरा मिला ले, ऐ शाम घाट वाले, नजरे जरा मिला ले, ऐ शाम घाट वाले, नजरे जरा मिला ले, नजरे जरा मिला ले, ऐ शाम घाट वाले, ऐ शाम घाट वाले, नजरे उपस्थित है बाबा भक्त मंडल, उनका भी हार्दिक स्वागत करता है। बोले शाम प्यारे की। और क्या कहेंगे, मेरे शिष्य के दानी का सारे जग में डंका बाजे, मेरे शिष्य के दानी का सारे जग में डंका बाजे, मेरे शिष्य के दानी का सारे जग में डंका बाजे, मेरे शिष्य के दानी का सारे जग में डंका बाजे, मेरे काटू वाले का सारे जग में डंका बाजे, मेरे काटू वाले का सारे जग में डंका बाजे।
हमारे योगेश भैया जरा आप थोड़ा नजदीक आएंगे, दरबार में आइए। पंकज अग्रवाल जी, जितेंद्र अग्रवाल जी, एक बार दरबार में सभी आ जाएं। सभी जल्दी जल्दी आ जाओ जी। अच्छा अच्छा अच्छा, अभी मुझे पता चला है कि आज यहाँ तो डबल धमाका है भाई, कीर्तन तो हो ही रहा है, आज हमारे हिमांशु भैया का जन्मदिन भी है। आइए मिलकर इनको बधाई देते हैं। और क्या कहना है, बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, अब जियो हजारों साल मेरी है आरज़ू, अब पाए डोया, अब पाए डोया, अब पाए डोया, अब पाए डोया। और सभी मिलकर एक बार इनको हिमांशु भैया को बधाई देंगे कि बाबा इन पे खूब कृपा बरसाए और बाबा खूब तरक्की दें। और आइए सभी मिलकर, ताकि फागुन उत्सव आने जा रहा है और बहुत जल्द हम सभी खाटू में और अपने दरबार में, बाबा श्याम के दरबार में झूम कर बाबा श्याम को फागुन उत्सव की बधाई देंगे। आइए मिलकर धमाल। हो अग्रवाल महिला मंडल जी, आ जाइए आप भी दरबार में आइए और दिखाइए
हमारी पीठ पीछे बुराइयां करते हैं और ये बहुत ही कड़वी सच्चाई है, पर ये बिल्कुल सच्ची बात है कि आज ये कीर्तन हो रहा है, कुछ लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, पर वो पीठ पीछे क्या बातें करेंगे कि ये कैसा कीर्तन कराया। कैसा कीर्तन कराया, कैसी साज सजावट रखी,
कैसे सिंगर को बुलाया, इसे तो कुछ गाना आता ही नहीं था, पर उनके लिए ये कहना चाहूंगी दो पहलू संसार के दो रुख वाले रे, दिन अच्छे तो सब अपने दुर्बिन मिले नमीत। और बाबा से कहना बाबा साथ दे क्या कहना है कुछ तो है सरकार तेरी सरकारी में, क्या रखा है झूठी दुनियादारी में। और आइए सभी मिलकर करेंगे और ताली बजाएंगे, झूठी
जाने क्या हो गया, जब से देखा तुम्हें जाने क्या हो गया, जब से देखा तुम्हें जाने क्या हो गया। ओ खटू वाले शाम मैं मेरा हो गया, ओ खटू वाले शाम मैं मेरा हो गया, खटू वाले शाम मैं मेरा हो गया, खटू वाले शाम मैं मेरा हो गया। और जो मेरे बाबा के हो चुके हैं वो ताली बजा दे, एक दो तीन चार, बच्चों प्यारे की बोले लल्लदा बाबा जी कहना है। अच्छा एक चीज आप बताओ कि जब भी हम किसी को खूबसूरत से तैयार होते हुए देखते हैं तो हमारे मन में क्या आती है, हमारे मुंह से क्या निकलती है? यहाँ पे कितने शादीशुदा है, जब आपकी बीवियां रेडी होकर सज कर आती हैं हमारे मुंह से क्या निकलती है? बहुत है। निकलती है बाजी। वाह आज मेरा पापा का दरबार कैसा लग रहा है? बाजी वाह, मिलकर बोलो बाजी वाह, बाजी वाह, आप भी मिलकर बोलो बाजी वाह। और क्या कहना है, तेरे दरबार की अजब शान है, जब शान है, जो भी देखे वही तुझ पे कुर्बान है, जो भी देखे वही तुझ पे कुर्बान है, तेरे दरबार की वाजब शान है, तेरे दरबार की वाजब शान है, जो भी देखे वही तुझ पे कुर्बान है, जो भी देखे वही तुम पे कुर्बान है। ओ तेरी भक्ति का मुझको नशा हो गया, तेरी भक्ति का मुझको नशा हो गया, तेरी भक्ति का मुझको नशा हो गया। और क्या कहना है, खटू वाले शाम मैं तेरा हो गया, खटू वाले शाम मैं तेरा हो गया, खटू वाले शाम मैं तेरा हो गया, खटू वाले शाम मैं तेरा हो गया। बोलो शाम प्यारे की क्या बात है, बाबा शाम से। और बाबा से आज क्या कहना है बाबा? हमारा काम होगा तुम्हारा नाम होगा, अगर डूबेगी नैया नाम बदनाम होगा, हमारा काम होगा तुम्हारा नाम होगा, अगर बनवा
क्या कहना है? बाबा तुम सा दयालु देव दूजा नहीं है, बाबा सोमानी जी आने वाले हैं, तो एक बार मैं चाहूंगी कि यहाँ जितने भी प्रेमी आज बाबा श्याम को रिझाना चाहते हैं और झोलियां भर के जाना चाहते हैं, एक बार सभी खड़े होकर और मेरे साथ झूमकर बाबा को मनाएंगे। अगर आज झोलियां भर के जाना चाहते हो ना, तो खड़े होना पड़ेगा। और हमारी महिलाओं से मैं आग्रह करूंगी कि एक बार सभी खड़े होकर और मिलकर कहेंगे, मेरे शिष्य के दानी का सारे जग में डंका बाजे, मेरे शिष्य के दानी का सारे जग में डंका बाजे, मेरे खंडू वाले का सारे जग में डंका बाजे, मेरे खंडू वाले का सारे जग में डंका बाजे। भारे नारे है करता भक्तों की झोली है भरता, भारे नारे है करता भक्तों की झोली है भरता, भारे नारे है करता भक्तों की झोली है भरता, भारे नारे है करता भक्तों की झोली है भरता। Oh,
भैया ये गया, अच्छा फिर आ गया। जब से आई तेरे द्वार पे बोल जा, जब से आई तेरे द्वार पे दिल बोल जा, बोल जा प्यारे की ¡Gracias!
हर मोर छड़ी के आगे होली रे
कैसे ना बाबा लगन तुम से लगा बैठे जो हो नितिन भैया से मैं पूछती हूँ कि भैया आप साल में कितनी बार खाटू जाते हो? साल में एक बार तो हो जाता है। बाबा का दीदार साल में एक बार हो जाता है। और महीने में? महीने में तो वैसे कीर्तन में रोज ही खाटू जाते हैं हम। रोज खाटू जाते हैं और रोज खाटू से लौट कर बाबा से आते हैं मिल कर कर। और हर ग्यारस जाते हैं? हर ग्यारस हमारे भिलाई दुर्ग में ही खाटू जैसा श्याम मंदिर है, वहाँ हर ग्यारस को हाजिरी लगती है बाबा के सामने। अच्छा ये बताइए रेस्टोरेंट कितना बार जाते हैं साल में? साल में चार पांच बार। महीना में? एक बार। देखिए रेस्टोरेंट तो जाने के लिए सारे रेडी हैं, लेकिन जिन्होंने अपने भोजन दिया है उनके वहाँ जाने के लिए किसी ने हाथ नहीं उठाई है। मैं तो कहूँगी इस खाटू जाओ ही जाओ, बस दो पंक्ति आज यहाँ कहती हूँ, इसे मैसेज की तरह लीजिएगा। खाटू के मंदिर माथा टेक कर जाना से, खाटू के मंदिर माथा टेक कर जाना से, ताऊर ताऊर ताऊ पादले सामान मेला देखने जाना से, ताऊ पादले सामान मेला देखने जाना से। खाटू के मंदिर माथा टेक कर जाना से, खाटू के मंदिर माथा टेक कर जाना से, खाटू के मंदिर माथा टेक में। अरे क्या बात है, देखो अभी इसकी तादाद बढ़ गई है, अब खाटू वाले खाटू जाने के प्रेमी भी बढ़ गए हैं। बोलो शाम प्यारे की जय हो। सोनी निगम बाई साहब वाराणसी से खाटू श्याम कथा वाचिका हैं और बाबा श्याम भक्त मंडल की तरफ से उनको इस मंच पे आमंत्रित किया जाता है। एक बार जोरदार तालियां हो जाए और मैं बाबा भक्त मंडल
कि जितने भी कमेटी मेंबर्स हैं, जितने भी सदस्य हैं, उनका तहे दिल से धन्यवाद करती हूं जो आपने मुझे मौका दिया अपनी हाजिरी लगाने का और इस भिलाई पावन धरा पे अपनी बाबा श्याम को बुलाने का मौका दिया। बोलो श्याम प्यारे की जय हो। और एक बार तालियां हमारे म्यूजिशियन भैया लोग के लिए भी हो जाए। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। बोलिए खाटू नरेश की, बोलिए हारे के सहारे की, बोलिए तीन मोड़ धारी की। आइए मुश्किल से पांच मिनट का आप सभी का समय लूंगी क्योंकि बहुत सारे आमंत्रित कलाकार हैं यहाँ। यहाँ तो हमारी चाचा जी ने मुझे बुला लिया। अभी आपने सुना कि सोनी निगम बाईसा वाराणसी से, मैं वाराणसी से हूँ। पिछले तीन वर्ष पूर्व यहाँ पर मेरा विवाह हुआ है चरोदा में, भिलाई में। तो अब यहाँ की बहू हो गई हूँ, ऐसे में बनारस की बेटी हूँ। पिछले 12 वर्ष से मैं खाटू श्याम बाबा की कथा करती हूँ और मेरी पहचान मेरे बाबा श्याम है। तो आइए दो लाइन, वाराणसी से हूँ तो इसलिए दो लाइन बाबा भोलेनाथ के भजन। बाबा भोलेनाथ के चरणों में हम सब मिलकर पुष्प अर्पित करेंगे। उसके बाद एक छोटी सी रचना है जो पिछले वर्ष हमारी आई थी बाबा की, उसको सुनाएंगे। और आगे जब तक बाबा की मर्जी होगी तब तक भजन आप सब सुनेंगे। तो बोलिए शंकर भगवान की, भैया डी शार्प, शिवरंजनी, भैया माइक को थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। आइए हम सब बाबा भोलेनाथ को मनाते हैं। आगामी 11 मार्च को बाबा का महाशिवरात्रि का पर्व आने वाला है। हम सब बाबा भोलेनाथ के चरणों में मिलके ये पुष्प अर्पित करते हैं। मैं किसी से यह नहीं कहूंगी कि आप ताली बजाइए, आप नाचिए, केवल भाव से भजन सुनिए क्योंकि भगवान केवल और केवल भाव के भूखे हैं। भगवान को कुछ नहीं चाहिए। भगवान ये जो 56 भोग लगाते हैं ये हम अपने लिए लगाते हैं। तो आइए सत्य है बाबा के बैठे हैं, चाहे वो श्याम प्रेमी हो चाहे शंकर प्रेमी हो, भगवान क्योंकि एक ही है, नाम अलग अलग है, तो सबको मिलके कहना है ओम नमः शिवाय नमो हरि ओम नमः शिवाय नमो हरि शिव
कभी बाबा के चरण में शरण मिलेगी। आयुष जी सोमानी जय श्री श्याम का स्वागत। अभी आयुष जी सोमानी आइए और बजो। उनसे निवेदन दरबार में पहुंचे सभी भक्तों से निवेदन तालियों से स्वागत करें। बोल श्याम प्यारे की जय। हल 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 दादा इधर से आउटपुट दे दो थोड़ा सा और इसमें थोड़ा सा रिदम रहने दो बाकी म्यूजिशियन थोड़ा कम करो इसमें से। हल 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 हल्का सा ढोलक इसमें डाल दो थोड़ा सा ढोलक कम है।